हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, व्हाइट बोर्ड पर क्लियरली विजिबल है कि मैं आज किस पॉइंट पर बातें करूंगा। यहाँ पे जो भोपाल एम्स में ग्रुप सी की वैकेंसी आई थी, जिसमें स्टेनो, एलडीसी, जूनियर स्केल स्टेनो की वैकेंसी थी, उनके लिए आप लोगों से टाइपिंग की डिमांड थी कि टाइपिंग में ये सब चीजें आपको करनी है। तो आज मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी चीजें समझाऊंगा और ए टू जेड बताऊंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हो, क्योंकि एम्स की जो सभी वैकेंसीज रहती है उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो बहुत फास्ट रहता है। तो आपको अभी से ध्यान देना है, जैसे ही वैकेंसी आए विद इन 2 या 3 मंथ्स के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप अपनी स्टडी पर फोकस करो। बाकी चीजों को मैं आपको समझा के चलूंगा कैसे पढ़ना है। जरा सा भी आपको सिलेबस में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे एम्स में जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, 5 वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो की टाइपिंग से रिलेटेड है। पहली वैकेंसी एलडीसी, दूसरी स्टेनो, थर्ड यूडीसी अपर डिविजन क्लर्क, 4 DO डाटा एंट्री ऑपरेटर, 5th यहाँ पे जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी के लिए, और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा। देखो एग्जाम तो पास आप कर लोगे, एग्जाम से जो टाइपिंग में आएंगे 1:3 की रेशियो, यानी सिंगल वैकेंसीज के लिए 3 मेल और फीमेल जो भी रहेगा यहाँ पे वो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। 1 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे 3 स्टूडेंट टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। पहले हम समझते हैं टाइपिंग को, फिर समझते हैं ये 10,500 और 9,000 KDPH क्या है, इनमें टाइपिंग कैसे होती है, आखिरकार ये जरूरी क्यों है, अगर इनकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है फिर भी ये क्यों रखते हैं, और आप फेल पास टाइपिंग में कैसे होगी, कौन सा वो फार्मूला है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हम फेल है पास है। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे एलडीसी की टाइपिंग की। देखो एलडीसी की टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में करनी है आपको, मतलब 1 मिनट में 30 वर्ड आपको लिखने हैं। इंग्लिश में यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पे इंग्लिश में करने हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ। और ये दोनों आपको 10 मिनट में कम्प्लीट करनी है, मीन्स की 10 मिनट में ये कम्प्लीट करनी है और 10 मिनट में ये कम्प्लीट करनी है। दोनों कम्प्लीट करने के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। KDPH क्या है वीडियो के लास्ट में समझाऊं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जो डेटा है वो मैं रिमूव करूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है अभी आप डेटा देख लो, बाकी ये सब नोटिफिकेशन में भी है और आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। स्टेनो के बारे में बात करेंगे, देखो स्टेनो में क्या है, डिक्टेशन है 10 मिनट की 80 वर्ड्स पर मिनट। देखो डिक्टेशन बहुत बड़ी चीज है और ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत बड़ी चीज है, 50 मिनट्स इंग्लिश में मिलेंगे और आपको 65 मिनट आपको हिंदी में मिलेंगे कंप्यूटर पे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खुद में एक लंबा चैप्टर है जो कि समझाने में मुझे भी टाइम लगेगा, तो इस पर आप फोकस मत करो। ये समझ लो कि डिक्टेशन आपकी 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट आपको करनी है और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश 65 मिनट आपको आपके हिंदी में करने कंप्यूटर पे, ठीक है। यूडीसी के बात करेंगे, देखो यूडीसी में क्या है, जब अपर डिवीजन क्लर्क का होता है, एक तो एलडीसी होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, एक होता है यूडीसी, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ये टेस्ट लेने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो स्किल टेस्ट होगा ये आपका सेम टू सेम एलडीसी की तरह होगा, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड्स पर मिनट आपका इंग्लिश में। बाकी जो डेटा है KDPH का उसका पूरा चैप्टर है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। डीओ के बारे में बात करेंगे, डीओ की जो स्पीड है नोट लेस देन 8000 KDPH, ये भी आपको अभी समझाऊंगा ये KDPH क्या है, ये थोड़ा आप अपने माइंड में नोट कर लो कि हाँ ये चीजें मांगी है। देखो डीओ के लिए यहाँ पे 8000 मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 8000 KDPH, क्योंकि मेरे भी याद रहेगा KDPH, ठीक है। और बाकी जो एलडीसी और यूडीसी के लिए ये मैं यहाँ पे छाप दे रहा हूँ 10,500 आपके हिंदी में, ठीक है, ये मेरे भी याद रहेगा, मैं इजीली आपको पढ़ा सकता हूँ। फिर देखो 5th वैकेंसी है जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी में, इसमें क्या आपको हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 64 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड आपकी 11 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। वर्ड्स मतलब पता है ना, मतलब 5 स्ट्रोक का कंप्लीट एक वर्ड बनता है उसको बोलते हैं हम एक वर्ड, वो यहाँ पे 11 कंप्लीट होने चाहिए। जो आपकी मिस्टेक है 8% से नीचे आपकी, मतलब ऊपर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इससे नीचे हो तो ठीक है। बाकी अब हम बात करेंगे
ये KDPH क्या है, कैसे आपको टाइपिंग करनी है, सारी चीजें आपको समझा के चलूंगा और आपको बताऊंगा, आपको आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा क्या ये चीजें है क्या नहीं है और किस बेस पर आपको टारगेट करनी है, कैसे आपको टाइपिंग करनी है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें LDC और UPC के लिए माना था 10,500 KDPH, KDPH आपकी इंग्लिश में ठीक है, और हिंदी में माना था 9,000 KDPH, ये समझ में आता। फिर 9,000 जो 8,000 माना था वो यहाँ पे माना था DEO का, डाटा एंट्री ऑपरेटर है ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, अगर हम पहले यहां पे जान लेते 5 key stroke क्या होता है ठीक है। देखो एक वर्ड बनता है आपका, एक वर्ड बनता है इज इक्वल टू 5 key stroke। 5 key stroke क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। देखो जब KDPH की बातें आती है वहां पे कंप्यूटर की सारी की काम नहीं करते हैं, ओनली स्पेस की काम करते हैं। आप कैप्स लॉक प्रेस करो, डिलीट एंटर कुछ भी करो, कोई भी की काउंट नहीं होगी, ओनली आपका स्पेस काउंट किया जाएगा। बाकी जो आपको पैराग्राफ मिलेगा टाइपिंग करने के लिए, जो वर्ड आपको कैपिटल लेटर में है वो कैपिटल में लिखना है, जो वर्ड आपका इंग्लिश मतलब कि आपका स्मॉल लेटर में है वो आपका स्मॉल लेटर में लिखना है। लेकिन जब आप कैप्स लॉक प्रेस करोगे तो वहां पे वो की कोई भी काउंट नहीं होगी, कैप आपका स्पेस काउंट होगा ठीक है। देखो क्या जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज गोइंग ले लेते हैं। देखो ही के बाद एक स्पेस है जब ही जब, और इज के बाद एक स्पेस है ठीक है, ये स्पेस है। देखो आपने ही लिखा, एक की स्ट्रोक हुआ, दूसरा की स्ट्रोक हुआ, स्पेस दिया आपने, तीसरा की स्ट्रोक हुआ, फिर आई लिखा, फोर्थ की स्ट्रोक हुआ, ये आपने इज लिखा मतलब कंप्लीट एस लिखा तो फिफ्थ की, ये एक पूरा, ये 5 key stroke का पूरा एक वर्ड बना, एक वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर बताया था मैंने एक वर्ड 5 key stroke, ऐसे ही यहां पे आपका पहला स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपका एक वर्ड ये बना ठीक है। यहां पे आपका जो है गोइंग का जी इसमें रहेगा, जी के बाद जो भी यहां पे सपोज करो राम आया, RAM राम आया, जी को काउंट करो 1, स्पेस को काउंट करो 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ऐसे यहां पे आपका एक वर्ड और बना ठीक है। यहां पे आपका एक वर्ड, इसको बोलते हैं एक वर्ड 5 key stroke ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई। अब हम टाइपिंग को कैसे बताएं कैसे ठीक है। देखो टाइपिंग का कैसे है, पहले हम यहां पे निकालेंगे इसकी डिमांड क्या थी। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी का आपको यहाँ पे खुद ही देख रहा है कि हिंदी का क्या है। पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक मिनट में आपको 10,000 ठीक है, 10,500 के कितने की पर मिनट में टाइप करनी। देखो पूरा कितना है 10,500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 60, तो 0 से 0 तो 175 ठीक है, 175 मतलब कि एक मिनट में आपको 175 की आपको प्रेस करनी है, कंप्यूटर पे आपको 175 की प्रेस करनी है। और जैसे लिखा है नोटिफिकेशन में कि आपको 10 मिनट टाइपिंग करनी है, तो 10 मिनट इज इक्वल टू आप देखो 175 ठीक है इनटू 10 इज इक्वल टू 1750, ये आपके मतलब 10 मिनट में इतने की प्रेस तो होनी चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप फेल होंगे। तो फेल कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊं कि आप फेल यहाँ पे कैसे होंगे। अब गाइस यहाँ पे देखो, ये तो आपके की हुए इतनी की, अब की को वर्ड में कैसे काउंट करें। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपका एक मतलब कि एक वर्ड में 5 key stroke होते हैं, तो टोटल यहाँ पे जो है मतलब 5 key का एक वर्ड बनता है, तो आपको वर्ड निकालने हैं, तो यहाँ पे 1750 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 350 आ गया ना, वही 350 यहाँ पे मांगा था 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, तो 10 मिनट में आप उसको काउंट करो 350। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की गलती भी होती है, सपोज करो ऐसे ही यहाँ पे सपोज करो आपने कुछ की गलती की तो वर्ड में ऐसे काउंट किया जाएगा, सपोज करो आपने यहाँ पे 10 वर्ड गलती की, तो यहाँ पे 350 माइनस के 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 340
अब 340 को जब हम फिर हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 34 वर्ड पर मिनट, 34 वर्ड पर मिनट जब आपके होगा तो यानी आप यहाँ पे फेल हो गए, बिल्कुल फेल हो गए। अब इसमें एक्यूरेसी भी मैटर करती है। देखो जर्नल के लिए जहां तक मुझे पता है यूआर के लिए जो एक्यूरेसी रहती है 95% रहती है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रहती है यहाँ पे जो है 93 रहती है। ये सभी वैकेंसी में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे ही आपको टाइपिंग करने है। ये है असली खेल KDPH का, तो ऐसे ही आपको समझना है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।